नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि जो भी बाढ़ से 30 ऐसे ज़िले में फसल नुकसान हुए हैं, उसका जो कृषि इनपुट का अनुदान का जो फॉर्म है वो जो है 5 नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे कहा है कि सर, आपने जो भी वीडियो बनाया था उसका अकॉर्डिंग जो है 5 नवंबर से कृषि इनपुट का जो फॉर्म है वो फिलअप शुरू नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था कि नहीं हुआ, आखिर फिर नया जो है डेट क्या घोषित किया गया है, आखिर कब से फॉर्म फिलअप हो सकता है, संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको कंप्यूटर में टाइप करना है dbtagriculture.bihar.gov.in। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि कृषि इनपुट का फॉर्म जो है यहीं से फिलअप होता है। अगर साइट ओपन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो नीचे आपको एडवांस का बटन दिया गया होगा, उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्योंकि इस साइट का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए जो इस तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान 2021-22। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो है यास तूफान के लिए जो मतलब लिंक जारी किया गया था वही लिंक है। यहाँ पे आप पंचायत से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो न्यू वाला फॉर्म फिलअप होने वाला है उसमें आई थिंक 3200 पंचायत है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि 1365 पंचायत है। तो अभी यहाँ पे आवेदन करें पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे जो है एप्लीकेशन क्लोज हो गया, यानी कि आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो समाप्त हो गया है। तो ये जो है देख सकते हैं कि यास तूफान वाला है, यास तूफान वाला जो है एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब जो न्यू जारी किया जाना है, जैसे कि 30 जिले के लिए अप्लाई होने वाला है, उसका जो है लिंक अभी कहीं भी आप देखेंगे तो जारी नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए थे, बार बार पूछ रहे थे कि आखिर कब से चालू होगा, क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर चालू क्यों नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे एक आर्टिकल मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको बताया गया है। देख सकते हैं कि यही जो है सूचना यहाँ पर जारी किया गया था। आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सूचना का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है। तो देख सकते हैं कि यही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करके बताया गया था कि 5 नवंबर से, देख सकते हैं कि 5/11/2021 से 20/11/2021 तक जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप होगा, लेकिन 5 तारीख से स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पे कब से स्टार्ट होने वाला है इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो इसी में आप ऊपर जाइएगा ना तो यहाँ पर मैंने अपडेट जारी कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है उसमें मैंने बता दिया है कि 7 तारीख से यहाँ पे चालू होगा, जो कि 20/11/2021 तक फॉर्म को फिल किया जाएगा। यानी कि पहले जो है 5 तारीख से कहा गया था, लेकिन अभी इसको 2 दिन बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 तक ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, यानी कि आपके पास जो है 13 दिन रहेगा, 13 दिन के अंदर जो है कृषि इनपुट का फॉर्म आपको फिल करना है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना भी जारी किया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि देख सकते हैं कि 5/11 के स्थान पर अब 7/11 से स्वीकार किया जाएगा। किसान एवं भाई को अवगत कराना है कि तारीख 2021 में बाढ़, अतिवृष्टि एवं प्रतिभूमि के कारण हुई क्षति फसल के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर यहां पर जाकर जो है आवेदन किया जा सकता है। तो यहां देख सकते हैं कि साफ साफ बता दिया गया है कि 7/11/2021 से लेकर 20/11/2021 तक आवेदन किया जाएगा। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम 6 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि 7 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी कृषि इनपुट का जो फॉर्म है वो जो है 5 तारीख से ना भर के, 6 तारीख से ना भर के अब सीधे जो है 7 तारीख से भरने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब यहाँ पे देखिए 7 तारीख से भी फॉर्म फिलअप होता है कि नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट दावा कर रही है तो हो सकता है कि 7 तारीख से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि 5 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ, किसी न किसी तरह जो है तकनीकी का प्रॉब्लम था या किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम था, इसलिए जो है यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं किया गया, नहीं तो 5 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।